हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर बायोलॉजी की टेस्ट सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज सीरीज का हम पार्ट टू देखने वाले हैं, तो फटाफट जुड़ जाएंगे। और ये आपका एमसीक्यू जो रहते हैं बायलैंग्वेज रहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहते हैं, तो फटाफट जुड़ेंगे और सभी क्वेश्चन यहाँ पे वन बाई वन हम देखने वाले हैं। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए दिया जाएगा 10 सेकंड का समय, तो उन्हीं 10 सेकंड में आपको क्या करना है कि जवाब करना है कि क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और आपको जवाब करना है इसका सही उत्तर क्या है। स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है तो उसका जवाब करेंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे कौन सा सही है उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका सही आंसर है वो आपका आई वर्सेस आर द कंपोज्ड ऑफ इवन सिंगल फिलामेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स, करा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ये आपका क्या है कि यहाँ पे जो है सही है, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें सही था। तो आपका केवल एक नंबर यहाँ पे सही है, यानी सी ओ आपका ऑप्शन है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारे पादप विषाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अविकल्पी होते हैं। ठीक है, अविकल्पी परजीवी होते हैं इस प्रकार के इनके बारे में। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, केवल पोषी कोशिकाएँ जो होती हैं यानी होस्ट जो होते हैं, ठीक है, पोषी कोशिकाओं के अंदर ही इनका जो है वृद्धि और जो प्रजनन होता है दोनों चीज़ें उसी के अंदर होते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि इनके अंदर केवल जो क्या होता है कि एक ही प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल, चाहे वो आरएनए होगा या डीएनए, दोनों में से केवल एक ही प्रकार का आपका पाएगा। यानी आरएनए है तो डीएनए नहीं होगा, डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होगा। इसका जवाब करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छा आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन है, स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे आपका देखिए, इस प्रकार क्वेश्चन की जो अगर दोनों पढ़ने लगेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, तो मैं जो है एक ही में पढ़ रहा हूँ आपका हिंदी में। ठीक, बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत है। एकदम सही है, स्तंभ कोशिकाएँ बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती हैं, ये भी सही है। स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकती हैं, ये भी आपका सही है। चौथा है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है, ये भी आपका सही है। यानी आपके यहाँ पे चारों सही है, यानी आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और आप इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कोलमरनार सेल्स इन एनिमल्स इज फॉल्स। कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं में प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो इसमें गलत कौन सा है? कह रहा देखिए, यह प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती, एकदम सही है। मल्टीप्लाइज की बात कर रहा है, ये अंगों के क्षतिग्रस्त उत्कों की मरम्मत करती, ये भी सही है। रिपेयर्स की बात कर रहा है, डैमेज जो टिश्यू जो उनकी बात कर रहा है। ये एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है, ये भी सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती, नहीं गलत है। ठीक है, तो ये केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती है, तो यहाँ पे आपका एक गलत हो गया, डी ऑप्शन यहाँ पे असत्य है। व्हाट इज द सेलुलर एंड द मॉलिक्यूलर कंट्रोल ऑफ द प्रोस्ट सेल डेथ कॉल्ड। कह रहा है कि प्राक्रमिक कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे, इसका जो नाम होगा एपोप्टोसिस होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका जवाब करेंगे आप लोग कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सूची एक को सूची दूसरे से मिल करना, ठीक है, मतलब लिस्ट वन जो है फर्स्ट का आपको सेकेंड वाली लिस्ट से इसका मैच करना, एक में जो आपका बोन्स दे रखा है, एक में नाम दे रखा है, यानी जो आपका ब्रेस्ट बोन है वो आपका कौन सी जो है किससे जाके वो कनेक्ट होगी, तो इसका आपको जवाब करना है। ठीक है, तो जो ब्रेस्ट बोन होगी वो आपका किस में मिलेगी भाई, वो आपका जो है स्टर्नम में मिलेगी, यानी आपका पहला जो है वो फोर्थ में चला जाएगा। ओके, कॉलर बोन की अगर आप बात करते तो आपका क्लेविकल में हो जाएगी, यानी पहला में चली जाएगी। नी कैप की अगर आप बात कर रहे हैं तो नी कैप ये आपका पटेला में चली जाएगी, ये अपनी यहाँ से सेकेंड वाली की। ठीक है, नी कैप की बात करेंगे तो आपका किस में चली जाएगी, पटेला में चली जाएगी, ये यहाँ से थी। ठीक है, इसमें से यानी सी का आपका सेकेंड में।
अब बच कौन रहा है, एक ही तो बच रहा है शोल्डर ब्लेड आपका, ये तीसरे में चला जाएगा। तो कैसा है भाई, ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी 3, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। अगले को देखिए और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। समय स्टार्ट है आपका, जवाब करेंगे आप लोग इसका सही उत्तर क्या है। वेयर इज द मेमोरी कैपेसिटी इन द ह्यूमन ब्रेन, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। तो स्मरण जो क्षमता होती है कहाँ होती है, सेरिब्रम में होती है। ये आपका ह्यूमन जो आपका ब्रेन है वो सब्जेक्ट जो है बिगेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। क्वेश्चन को जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही आंसर आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या है। एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फिशन, रीजन आपका है ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड्स, करैक अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, कारण सभी एक कोशिकी जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। एकदम सही है, दोनों चीज़ें आपका सही है, यानी जो आपका स्टेटमेंट दे रखा है उसका जो रीजन है वो भी आपका सही है, यानी ए और आर दोनों सही है, यानी आपका जो असर्शन है और रीजन दोनों सही है, और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा है कि अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन के तौर पर है। तो आपका दोनों यहाँ पे सही थे, तो आपका 7 का ए हो गया। फोटोलिथोट्रोप्स के लिए क्या सत्य है, इसमें आपका उसके बारे में जो सत्य कौन सा सही कौन सा है। कह रहा है ए विकिरणों से ऊर्जा तथा कार्बनिक यौगिकों से हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। एकदम सही है आपका, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे आपका क्या है, सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन ही सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका आपको जवाब करना है फटाफट। इसका सही उत्तर क्या है बताएंगे फटाफट, इसका सही उत्तर क्या है, फास्ट रिप्लाई करेंगे इसके सही जवाब को। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब यहाँ पे आपके स्टेटमेंट को चूज करना है कि इसमें से राइट स्टेटमेंट कौन है। तो इसमें से जो राइट स्टेटमेंट है आपका वो सी है, अचल युग्मों पर दो चल युग्मकों के बीच जीवद्रव्य के संलयन को कोशिका द्रव्य संलयन कहा जाता है। आपका ये आपका सही है, यानी सी ऑप्शन इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। किसमें प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन नहीं निकलती है। अब आपको यहाँ पे चूज करना है कि ऑक्सीजन जो है किसमें से नहीं निकलेगी। तो जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, यानी हरित जो सल्फर जीवाणु होते हैं, वो प्रोटीन के रूप में क्या होता है कि यहाँ पे जो प्रोटीन के रूप में जल का जो है यहाँ पे वो ग्रहण नहीं करते, यानी जल का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं निकलती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जल का प्रयोग नहीं करते हैं प्रोटीन के यूज के लिए, तो वहाँ पे फिर ऑक्सीजन आपका नहीं बनता है, तो ऑक्सीजन नहीं निकलती है इनके अंदर से, यानी जो ग्रीन बैक्टीरिया थे उनकी बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक जीवधारी यूकेरियोटिक या सुकेंद्रिकी कोशिकाओं का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पे जो है कौन सा उदाहरण नहीं है उसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो कौन सा उदाहरण नहीं है, तो देखिए पैरामीशियम कोडाइडम भी होता है, यूग्लेना बीरेटिस भी होता है, अमीबा ब्रेटियस भी होता है, लेकिन आपका यहाँ पे ऐसे रिखिया कोलाई इसकी बात अगर करेंगे, ऐसे रिचिया कोली की बात करेंगे, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक ये होता है, तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन जो है डिफरेंट हो जाएगा, यानी ये सबसे अलग है। यहाँ पे अगले प्रश्न को जवाब करेंगे नंबर के साथ, आप बताएंगे किसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, 12 का आप करेंगे, क्योंकि मतलब कुछ लोग लेट करते हैं तो उससे पता नहीं चल पाता कि भाई आप कौन से का सी कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, ए कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइड मोल्ड के थायलोइड शरीर को क्या कहते हैं। तो स्लाइड मोल्ड का जो थायलोइड होता है उसके शरीर को यहाँ पे क्या कहा जाएगा भाई, तो इसके यहाँ पे अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो प्लाज्मोडियम उसको कहा जाए। ठीक है, ध्यान रखना है प्लाज्मोडियम, और इसकी संरचना जो है कैसी होती है, थैलाबनुमा होती है। ठीक है, कैसी होती है, थैलाबनुमा होती है, और जो कैसी होती है बहुकेंद्र की कोशिकाओं के बने होते हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना है, और इनकी जो कोशिका के बीच में क्या होता है पटल जो होता है वो नहीं होता है, यानी आपका प्लाज्मोडियम की खासियत के बारे में कह रहा था बात। अगले प्रश्न को देखेंगे और इसका आपको जवाब करना है किसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। प्रश्न है टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न निम्न में से किसकी बिकारी के लिए है। टर्मिनेटर की बात कर रहा है, तो ये जो है आपका
ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज के लिए, जीन परिवर्तन पौधे के लिए, जेनेटिक रूप से अभियंत्रिक बीज जो दूसरी पीढ़ी में बाध्यग्रस्त होते हैं, सभी हो जाएगा उपयुक्त, सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही, ऑल ऑफ द अबव। अगले प्रश्न को आप देखेंगे और आप अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है उसको बताएंगे। जीवन की उत्पत्ति के बारे में उपेरियन का सिद्धांत किससे संबंधित, उपेरियन थ्योरी की बात कर रहा है तो ये रासायनिक विकास से, ठीक है, ध्यान रखना केवल रासायनिक, आपका केमिकल ग्रोथ से हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है, यानी किसकी जो है जरूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पे जरूरत जो है किसकी पड़ेगी, तो यहाँ पे प्रजनन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने के लिए तो प्रजनन की आवश्यकता है, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे संख्या में इंक्रीजिंग नहीं होगी तो उनकी संख्या जो बनी नहीं रहेगी, ठीक है, तो इसलिए आपका रिप्रोडक्शन मस्ट है। क्वेश्चन है दो न्यूरॉन के बीच के जंक्शन को क्या कहा जाता है, तो दो न्यूरॉनों के बीच के जंक्शन को क्या कहेंगे हम, कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है, सूत्र युग्मन कहते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपका, अच्छा ऊपर का पीला नहीं हुआ है, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, लिखा आपका पूरा है। क्रम मध्यकाल में मौजूद तीन हड्डियों के नाम क्या है, यानी कान, यहाँ पे सॉरी एक चीज गड़बड़ हो गया, कान की बात कर, कान के मध्यकाल यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है, कान की बात कर रहा है, कान के मध्यकाल में, यानी ईयर की बात कर रहा था, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है ईयर, ईयर की बात कर रहा है, तो कान के जो मध्यकाल में मौजूद तीन हड्डियों के नाम वो कौन कौन से, तो दो कौन है, यहाँ पे हैमर, एनविल, स्टपीज होता है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना है ये आपकी तीन हड्डियाँ जो आपके कान के मध्यकाल मध्य वाले जो पार्ट है उसमें मौजूद होती हैं, तो ईयर की बात की गई थी, ईयर के बारे में पूछा गया था, तो उसको सुधार कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न वीटी वैगनी है, वीटी वैगनी की बात कर रहा है, तो वीटी वैगनी होता क्या है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड व्रिंजल की बात की जा रही है। एक नग्न चट्टान पर एक अग्रगामी जीव के रूप में निम्नलिखित में से कौन आएगा, तो कौन होगा भाई, लाइकेन होगा, क्योंकि लाइकेन जो होता है उसकी जड़ से कार्बोनिक अम्ल निकलता है और जो चट्टान की जो है दरार जो होती है, परत जो होती है, उसमें जा करके आपका वहाँ से जो है उसको घोलता है और वहाँ से फिर वो जो है अपने आप बाहर निकल के आता है, तो कौन होगा, लाइकेन हो जाएगा, इसमें कौन निकल रहा है, इसकी जड़ से कार्बोनिक अम्ल निकल रहा है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड की बात की जा रही है, कार्बोनिक एसिड वहाँ से निकलता है। अगले का आप जवाब करेंगे, अगले प्रश्न का सही उत्तर क्या है, सही मिलान वाले जोड़ी का चुनाव कीजिए, तो यहाँ पे जो सही आपका मिला है उसको पहले देखना है, तो लाल नाल का आंतरिक स्तर कैसा होता है भाई, संयोजित होता है, यहाँ पे पच्छा भी दिया है तो आपका गलत हो जाएगा, संयोजित होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, संयोजित कर लीजिएगा, संयोजित उपकला। मुख गुहिका की नम सतह जो है वो कैसी होती है, तो वो आपकी संयोजित ये भी होती है, तो यहाँ पे भी आप संयोजित कर लीजिएगा, संयोजित उपकला हो जाएगी, ठीक है। निफ्रान के नालिकाकार भाग घनाकार, ये एकदम सही है आपका, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। श्वासनिका की आंतरिक सतह कैसी होती है, तो आपका पश्चामाभि होती, जो आपका पहला लिखा था वही, ठीक है, पश्चामाभि उपकला हो जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही था आपका। अगला प्रश्न है स्क्रीन पर और इसका आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा, फटाफट बताएंगे इसके सही उत्तर को आप लोग। प्रश्न है अंतरापुलीय इधा किसकी कोशिकाओं से विकसित होता है, तो किसकी कोशिकाओं से भाई निकलेगा, तो ये निकलेगा मज्जा किरणों से, यानी फ्रॉम मैरो रेज से निकलकर आएगा। इस प्रश्न को देखिए और आपका यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या है, फटाफट आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब करेंगे। प्रश्न है रक्त वाहिकाओं का स्तर बनाने वाली कोशिकाएं किस एक श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, तो किसके श्रेणी के अंतर्गत आएंगे भाई, वो आती हैं आपकी सल्की एपिथीलियम के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सल्की एपिथीलियम के, स्केल एपिथीलियम की बात की जा रही है, तो रक्त वाहिकाओं का जो आपका अंतर वाला जो भाग होता है, यानी अंतर जो सरल सल्की होता है, उपकला का कैसा बना होता है, उपकला उत्तक का बना होता है,
तो यहाँ पे आपका रक्त वाहिकाओं का स्तर जो बनाने वाली कोशिकाएं किस श्रेणी के है, सल की एपिथीलियम की होती हैं। त्वचा में उपस्थित रोम है, तो पहली बात तो रोम जो होते हैं प्रत्येक रोम के अंदर क्या होता है, नलिका छिद्र होता है, ठीक है, तो उनको भी आप ध्यान रखिएगा, इनके अंदर क्या होता है नलिका छिद्र होता है। उत्पत्ति में एपिडर्मम और मृत कोशिका के बने होते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है उत्पत्ति के समय एपिडर्मम की और जब मृत हो जाएंगे तो मृत कोशिका के समय जो ये बने होते हैं, जो कोशिकाएं मर जाती हैं उनकी जो यहाँ पे ये बनते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। बीज में अवशिष्ट बीजंडाशय को क्या कहते हैं, अच्छा बीजंड काय की बात की जा रही है, तो इसके अगर सही उत्तर की बात करेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडोस्पर्म कहते हैं, परिभ्रूण पोष कहते हैं, परिभ्रूण पोष कहते हैं, तो इनका भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि क्या होता है कि कुछ बीजों में बीजंड काय, इसकी बात करें बीजंड काय जो होता है क्या होता है, का अवशेष रह जाता है, मतलब उसी में जो बाकी रह जाता है उसी के अंदर रह जाता है, जैसे क्या होता है काली मिर्च हो गया, ठीक है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, काली मिर्च वगैरह में आपका यहाँ पे ऐसे ही रहते हैं। और यह है अवशेष मतलब जो उसके अंदर रह जाता है, या जो अवशेषी बीजंड काय होता है, अवशेषी जो बीजंड काय होगा उसमें क्या होगा कि जो कि बीज में रह जाता है यानी जो बीज के अंदर रह जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, परिभ्रूण पोष कहते हैं, बस उसी चीज़ को कहा जाता है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ेंगे और अगले प्रश्न को आप देखेंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से किसी जैव नियंत्रण के एक कारक के रूप में पादप रोग उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है, तो यहाँ पे किसका उपयोग किया जा सकता है भाई, यहाँ पे उपयोग उसका होगा ट्राइकोडर्मा का, ट्राइकोडर्मा का उपयोग यहाँ पे किया जाएगा, तो इसका ध्यान रखना आपको, ठीक है। ट्राइकोडर्मा जो है एक क्या होता है, स्वतंत्र रहने वाला जो है कवक है, ठीक है, एकदम फ्री रहने वाला कवक है, मतलब किसी भी प्रकार का जो कैद में नहीं रहने वाला है, ट्राइकोडर्मा की बात की जा रही है। तो आपके सभी क्वेश्चन भाई कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर, थैंक यू।